This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों, तो हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग गोइंग वेल. सो एजेंडा ऑफ टुडे सेशन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11th सेशन इज. हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, कंडक्शन डिस्कस की थी. हमने आपसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस डिस्कस की थी और उससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल भी कराए थे, कापा एंड लैम्डा मोलर जैसे चीज की थी. आज हम आगे बढ़ेंगे और एक चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, कि कैसे आप इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को बढ़ा या कम कर सकते हो. टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड्स एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में द पहला टॉपिक इज नेचर. पहला फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है तो है, नहीं है तो नहीं है, बट फिर भी अगर हमें इसकी जानकारी हो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम अपने फायदे की चीज कैसे करवा सकते हैं. सॉरी. The conductance of an electrolyte depends upon number of ions present in the solution. Therefore, the greater the number of ions, the greater is going to be the molar conductance. The stronger electrolyte dissociate almost completely into ions, and therefore their solution will be having high conductance. On the other hand, weak electrolyte like PbCl2 are going to dissociate to small extent and give lesser number of ions. Therefore, the solutions of weak electrolyte will be having lesser conductivity. You cannot control it. Hai to hai, strong or weak electrolyte mein aapko ye badhaya gaya. Nature of solvent and viscosity. Aap jante hain solvent to hum aksar pani hi leke aayenge, to koi lamba choda role ada nahi karega, but fir bhi discuss karna chahiye. By chance aapko koi aur solvent bhi lena pade. Electrolyte ionize more in polar solvent. Therefore, greater the polarity, the larger is the ionization, and hence greater is going to be the conductance. And greater is the viscosity of the solvent, so ion moves slowly karega. Agar ion moves slowly karega, to lesser is going to be its conductance. Aisa viscosity se ho sakta hai. साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. इफ द आयन्स आर स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड, देखो आपके पास अगर सोडियम आयन है तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें गैस फेज में थोड़ा बात करनी है. हमें तो उसको कोई सॉल्वेंट, जो कि अक्सर आपको बताया गया वॉटर ही होगा, तो हमें तो उसकी एक्वस या सोल्यूशन फॉर्म में बात करनी है. अब बेटे समझाने के लिए मान लीजिए ये आपका सोडियम आयन है, तो बेसिकली सोडियम आयन नेक्ड नहीं होगा, उसके ऊपर सॉल्वेंट की एक लेयर हो जाएगी. तो जो हमारा नेट साइज होएगा आयन का, नेट साइज, सो नेट साइज विल बी इंक्लूसिव ऑफ सोडियम आयन का प्लस सॉल्वेशन का कह दो या हाइड्रेशन का कह दो साइज माना जाएगा. सो देयर इफेक्टिव साइज विल इंक्रीज एंड हेंस देयर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. जितनी हाइड्रेशन ज्यादा होएगी, सॉल्वेशन ज्यादा होएगी, उतना नेट साइज बड़ा होगा और कंडक्शन कम होगी. राइट? आपको याद है एक कहानी क्लास 11th में से आ रही है, स्मॉलर the ion, the more the hydration कह दो इस वक्त, क्योंकि पानी होगा, तो कह सकते हो that is greater the net size. Net size के अंदर क्या चीज है? The naked ion plus उसके ऊपर जो आपके पास sphere आ रहा है.
The more the net size of the ion, the less will be the ionic mobility and lesser will be the lambda molar. अब लिथियम आयन इन कंपैरिजन ये मैंने दिखाया है छोटा सा आयन है राइट right? इसको काला कर लेते हैं क्योंकि हम नॉर्मली काले से ही चल रहे हैं पहले भी ये छोटा है सोडियम आयन इन कंपैरिजन बड़ा है पोटेशियम आयन उसके मुकाबले बड़ा है रुबिडियम आयन उसके मुकाबले बड़ा है राइट right? और सीजियम आयन इन सब के मुकाबले बड़ा है अगर आप नेक्ड आयन को देखें पर लिथियम आयन सबसे छोटा है तो उसको पानी के मॉलिक्यूल आके सबसे ज्यादा चिपकेंगे तो मतलब नेट साइज किसका बड़ा है द लिथियम का नेट साइज सबसे बड़ा है देयरफॉर लिथियम की कंडक्टिविटी कम है और सीजियम की कंडक्टिविटी ज्यादा है इस तरफ आते हुए हमारी लैम्डा मोलर इंक्रीज करेगी अगर आप वैसे साइज को देखें तो आपने क्या आंसर देना था लिथियम आयन इज गोइंग टू बी मोस्ट कंडक्टिव बट ऐसा नहीं होने वाला है आप समझ गए हैं क्यों क्या कारण हो सकता है हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी अभी तक हमने आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं लॉलीपॉप आपको दिखाए हैं अब मेजर टॉपिक आने वाला The concentration of electrolytic solution, 0.1 molar solution होगा कि 0.2 molar solution होगा, ये बहुत ज़्यादा effect डालने वाला है conductivity के ऊपर. Higher the concentration, the less is the conductance. अभी करवाता हूँ, थोड़ा समय दीजिए. अभी सिर्फ introduce कर रहा हूँ, explanation इसका पूरा topic आएगा. Rather आज का lecture mainly इसके ऊपर होने वाला है. This is because in a weak electrolyte. The ionization is less, wherein strong electrolyte, the inter-ionic interactions are large at higher concentration. जो हमारे पास strong electrolyte है, वहाँ पे जितनी ज़्यादा concentration है, ions नज़दीक-नज़दीक हैं. Ions अगर नज़दीक-नज़दीक हैं, तो एक दूसरे को ज़्यादा जोर से पकड़ेंगे. अगर ज़्यादा जोर से पकड़ेंगे, तो वो भला electrode की तरफ क्यों खींचेंगे? वो तो आपस में ही एक दूसरे की तरफ attracted हैं. In general, the conductance of an electrolyte increases with increase in concentration or increase in dilution. अभी करवाता हूँ, अभी सिर्फ आपको बताया है. In general, जैसे-जैसे आपके पास dilution बढ़ेगी बेटे, right? Dilution बढ़ेगी और वैसे-वैसे हमारे पास conduction बढ़ेगी. याद करना, dilution बढ़ेगी या concentration कम होगी, एक ही चीज़ है. फिर डाइल्यूशन यहाँ पे हमने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द आयनाइजेशन इंक्रीजेस एंड हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस वो कह रहा है एस ई गोज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डब्ल्यू ई गोज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज करने से इंटर आयनिक इंटरेक्शंस अट्रैक्शंस क्या करेगी डिक्रीज करेगी देयरफॉर लैम्डा मोलर इंक्रीजेस जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो वहां पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्या बढ़ेगा नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे और बेटे लैम्डा मोलर इंक्रीज करेगी राइट In case of strong electrolyte, the inter-ionic interaction decreases with dilution. Therefore, the conduction increases. Right? Weak electrolyte ke liye, it is a degree of dissociation increases. This is very, very important. Thode samay mein hum inko aur padhne wale hain. Main dobara repeat kar raha hoon. Strong electrolyte ke case mein kya hoga? The inter-ionic interaction decreases. Ions pare pare jayenge dilution se. वीक इलेक्ट्रोलाइट में पोस्ट वॉर लॉ डिल्यूशन क्लास 11 जैसे जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन कम की अल्फा बढ़ेगा अल्फा बढ़ने का मतलब द नंबर ऑफ आयंस इज गोइंग टू बी दोस्तों इंक्रीज करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में इंपॉर्टेंट है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा आपके पास आ गया है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर The conductivity of an electrolyte depends upon temperature. With increase in temperature, the conductivity of an electrolyte always increases due to
डिक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन आयंस. रिमेंबर लैम्डा मोलर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. टेम्परेचर के इंक्रीज से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो आयंस एक दूसरे से दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली ज्यादा आसानी से भागेंगे. हमने ब्रॉडली आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिस्कस किया है. अब इसमें से बेटे ये जो टेम्परेचर इफेक्ट था जो मैंने कहा था डिस्कस लेटर, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं. राइट, पेज नंबर 9 पे जाने वाले हैं. ये मेजर टॉपिक हो जाएगा, रेदर यही अब टॉपिक होने वाला है आपके पास. कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कापा. द टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ईजी. आप सिर्फ यहीं से देखिए, नोट्स बनाइए, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स. चलते हैं. We have just learned superficially that lambda molar decreases with increase in concentration or increase with increase. एक चीज याद कर लो बस, lambda molar increases as concentration decreases. ठीक? This is because conduction is due to presence of ions in the solution. The greater the number of ions, the greater is the conductance. As with dilution, more ions are produced in solution, so conductance also increases on dilution. मैं आपको करवा चुका हूँ बेटे, strong electrolyte के केस में interionic interaction. आप imagine कीजिए, आप दो दोस्त, आप दो सहेलियाँ इकट्ठे इकट्ठे जुड़ के बैठे हो. भाई टीचर बुला रही है कि आके काम करो, आप नहीं जाते, बैठ जा. और दूसरी सिचुएशन, आप एक कमरे में हो, आपकी सहेली में भी तीन कमरे पर है, तो टीचर बुला रही है आके काम करो, आपको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन तो है नहीं, तो आप टीचर की तरफ ही तो अट्रैक्टेड हो. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा इंक्रीजेस. दोनों स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता था? कापा. एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होता था? लैम्डा मोलर. चेंज विद कॉन्सेंट्रेशन. हाउएवर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या है पुत्रों? कापा. ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. मैं हाईलाइट करने के लिए बच्चों इसको हरे रंग से मार्क कर रहा हूं, आपने इसको कॉपी करना है. कापा डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. कापा डिक्रीजेस एस सी डिक्रीजेस. फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट बोल दिया है. दोबारा जानबूझ के बेटे लेबलिंग फर्क कर रहा हूं. वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. प्लीज बी फोकस, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. मैंने इसको पॉइंट टू बोल दिया है. राइट, एक मिनट, नीचे लिखना था वो जो उसको मैंने पर्पल सा करा था. ये सेकंड पॉइंट, लैम्डा मोलर इंक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. अभी बताता हूं क्यों. ठीक है, दिस कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड एज कंडक्टिविटी. खराब पेन कर लेते हैं आंखों को वैसे ही थोड़ा सा बताने के लिए. कंडक्टिविटी दैट इज कापा इज अ कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ द सॉल्यूशन. अपॉन डिल्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर सीसी डिक्रीजेस एंड देयरफॉर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. कापा डिक्रीज एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर सीसी डिक्रीजेस. ऑन द अदर हैंड The lambda molar increase in molar conductivity on dilution is due to the fact it is product of conductivity and dilution and volume of 1 mole of electrolyte. This has been already right. Kappa is volume ke upar hai. Please isko wait karo, main aur samjhata hu isko. Just wait. Dekho, data yaad nahi karna hai. On dilution, conductivity decreases. Kappa
decreases and lambda molar increases as concentration decreases. Right? It has been found that increase in volume on dilution is much more than the decrease in conductivity. As a result, molar conductivity increase with dilution. उसने क्या कहा, कापा है क्या, लैम्डा है क्या, कापा इनटू वॉल्यूम है, तो आपके पास इसमें डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसमें उतना डिक्रीज नहीं होता, वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा नेट लैम्डा बढ़ जाता है. जस्ट वॉच, याद नहीं करने का है, हमने आपको रोका है. HCl, KCl, KNO3, acetic acid. HCl 0.1, 0.05 and so on. आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन डिल्यूट हो रहा है. बेटे वैल्यूज याद नहीं करनी है. नीचे जाते हुए कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या कर रही है, कम हो रही है. 391, 399, 412, 415, 421, 426. इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब है अब और ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ रही है. इनफाइनाइट डिल्यूशन का क्या मतलब है, आपने HCl लिया, इसको 0.1 से 0.05 कर दिया, 0.01 कर दिया, 0.0005 कर दिया, अब 0.0005 से 0.0006 या 0.0008 किया तो मोलर कंडक्टिविटी एक वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो गई है, अब उसको इनफाइनाइट डिल्यूशन बोला जाएगा. ऐसे ही KCl में देखो बढ़ रही है, KNO3 के केस में बढ़ रही है और एसिटिक एसिड के केस में बढ़ रही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में बढ़ रही है. एक चीज और ऑब्जर्व करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये वाले, इनकी मोलर कंडक्टिविटी शुरुआत में ही बहुत ज्यादा है. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए शुरुआत में मोलर कंडक्टिविटी कम है. ऐसा क्यों है, आपने अभी भी देखा कि नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो हमारी कंडक्टिविटी इज गोइंग टू बी लेसर ही होने वाली है. राइट ये पढ़ लीजिएगा, वही पेज है बट आप जरूर देखिएगा. सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, कहां पे जोर लगाने की कोशिश की जा रही है. कापा डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस राइट डिक्रीजेस. लैम्डा मोलर इंक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस लेटर है बट आपको बता चुका हूँ. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस दूर दूर जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस हमारे पास बढ़ जाते हैं. राइट, सो डू यू रिमेंबर, आपके पास एक चीज आती थी क्लास 11th में, ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ. बेटे ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ, कापा आई एम सॉरी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. 1 माइनस अल्फा, वाइट पेन ले लेते हैं, यहां पे नजर ज्यादा अच्छा आता है. वेयर सी इज अ कंसंट्रेशन, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूं. इक्विलिब्रियम क्लास 11th, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 दैट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. WE रिप्रेजेंटेड करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. K is equal to C alpha square, 1 minus alpha को 1 ले गए, तो अब alpha is equal to K by C, that means alpha is inversely proportional to C, right? इसका मतलब क्या होगा, as concentration decreases, alpha increases, alpha के increase करने से बेटे number of ions क्या करेंगे, increase करेंगे. So, lambda molar C, C group of concentration 0.1 पे, 0.01 पे will increase. Understand? अब देखो, समझना. ऐसे ही मान लेते हैं, आपने एक acetic acid का molecule किसी तरीके से आपने isolate कर लिया. Symbolically, ये कोई vessel है, इसके अंदर डाल दिया. अब acetic acid में जाके टूटने की कोशिश करेगा, एक. अब आप इसको उठा के दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पैसिफिक ओशन में भी डाल दोगे तो क्या एसिटिक एसिड कभी जीरो होगा? नेवर. कॉन्सेंट्रेशन कैन नेवर एवर बी जीरो. देयरफॉर अल्फा अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज कितना होगा, क्लोज टू वन. तो लैम्डा मोलर सी अप्रोचेस its maximum value, that is lambda molar naught. इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है molar
कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, राइट? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा मोलर. कुछ ऐसा है कि आप दो भाई बहन घर में बहुत शरारतें करते हो, तो मम्मी इस कमरे से उठ के दूसरे कमरे में गई. आप एक कमरे पे हो तो आप उस बहन भाई बहन को आपस में छेड़ सकते हो, पंगे ले सकते हो. दूसरी ऑप्शन, मम्मी पड़ोसी के घर में गई, चार सहेलियां इकट्ठी हुई हैं, तो आप थोड़ी देर और शरारत कर सकते हो. मम्मी ऑफिस गई है तो थोड़ी और शरारत कर सकते, पता है 4-5 बजे शाम को आना है. मम्मी नानी के घर गई है 15 दिन के लिए, आपसे बहुत दूर है, अब आप खुल के शरारतें कर सकते हो. आपकी शरारतों की मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज इनफाइनाइट डिल्यूशन है, माँ जितनी दूर जा रही है. तो मेरे प्यारे से बच्चों, एक कॉन्सेप्ट ये, मैंने इसके ऊपर ए लिख दिया है, राइट? और दूसरा कॉन्सेप्ट ये, मैंने इसके ऊपर बी लिख दिया है, और तीसरा कॉन्सेप्ट ये, हमने इसके ऊपर सी लिख दिया है. इसको प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मैंने आपको क्या करवाया है, राइट बेटे? तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, तो ऐसा होगा. ये मैं आपको अपने आप पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, लिस्ट बना लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, रीड कर लीजिएगा. ये हम सिंबॉलिकली आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपने एक बीकर ली हुई है, बीकर के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं, बाहर से इसको करंट दे रहे हैं, तो इसके अंदर एक बार हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, एक बार बीकर के अंदर वीक, एक के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला है. ऊपर से बल्ब लगा दिया है और बाहर से करंट दे रहे हैं. अब इन दोनों के बीच में जितने आयंस जल्दी कैरी करेंगे, सर्किट उतनी जल्दी कंप्लीट होगा. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब ज्यादा जोर से ग्लो करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो थोड़ा कम ग्लो करेगा, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ही नहीं होंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा. ये आपको हम यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. समझ गए पुत्रों? आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में से निकलने वाले हो, तो हम आपको एक डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन में से निकालने वाले. It has been observed that variation of molar conductivity with the infinite concentration are related by this expression. That is lambda molar C. What is lambda molar C at concentration 0.1, 0.2, 0.05 is equal to lambda molar naught minus A constant root C. This equation is known as Debye-Huckel-Onsegger equation. Debye-Huckel-Onsegger equation. And it is found to hold good at low concentration. Higher concentration पे ions एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो conduction हमारे पास उस प्रकार से आती ही नहीं है. तो बेटे, अगर आप इसको y is equal to c plus mx को देखो, लैम्डा मोलर नॉट, एक मिनट रुकिएगा, लैम्डा मोलर नॉट इज इक्वल टू, गलती हो गई, एक मिनट, वेरिएबल डालना था, लैम्डा मोलर नॉट माइनस ए रूट सी. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस एक्सिस पे वाई ले लो, राइट, एक्स एक्सिस पे अंडर रूट सी ले लो, राइट, अंडर रूट सी कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है. तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, लैम्डा मोलर आपकी क्या करेगी, बढ़ेगी. याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन कभी जीरो नहीं हो सकती है, राइट? सो देयरफॉर ये वाली लाइन एंड तक नहीं जा सकती है. तो आप उसको कैसे लेके जाओगे, आप उसको अपने मैथमेटिक्स की तरफ से लेके जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रापोलेशन, आपने इसको बोला हुआ है. व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेशन? जो चीजें सच में नहीं होती हैं, हम उनको ग्राफिकली एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये वाली मैक्सिमा क्या आएगी,
ये, और इसकी जो स्लोप आएगी नेगेटिव आएगी, दैट विल बी माइनस ए के बराबर आएगी, ऐसा हम कहने वाले हैं। बट अब इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स डिफरेंटली टुवर्ड्स डाइल्यूशन, बिहेव्स डिफरेंटली टुवर्ड्स डाइल्यूशन। तो हम आपको ए दिखाने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वेरिएशन ऑफ लैम्डा मोलर विथ कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग के लिए, HCl के लिए, KCl के लिए, NaCl के लिए, एवरीथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा मोलर इंक्रीजेस, वर्ड ध्यान दीजिएगा, स्लोली ग्रेजुअली विद डिल्यूशन एंड देयर इज अ टेंडेंसी फॉर मोलर कंडक्टिविटी टू अप्रोच अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, दैट इज व्हेन द डिल्यूशन इज इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब समझे, ओवर डिल्यूट करने से कंडक्टिविटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट डिल्यूशन। The molar conductivity when the concentration approaches zero approximately is known as molar conductivity at infinite dilution. That is lambda molar becomes lambda molar naught when C approaches zero. आप देख ही चुके हैं Debye-Huckel Onsager equation. Point is, important is lambda molar और root C का अगर हमने strong electrolyte के लिए graph बनाया तो वो linear आया, और उसमें जो आपके पास डिक्रीज है दैट इज ग्रेजुअल है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर लो, लैम्डा मोलर इंक्रीज कर लो, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज है। और लैम्डा मोलर आप कैसे निकाल पा रहे हैं, नॉट एक्स्ट्रापोलेशन से हम लैम्डा मोलर नॉट निकाल पा रहे हैं, तो ये आपको करवाया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, राइट। इट हैज बीन नोटिस दैट वेरिएशन ऑफ लैम्डा मोलर विद कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल ग्रेजुअल सो दैट द प्लॉट्स कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन, द स्लोप ऑफ द लाइन इज बला बला, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ए For a given solvent and temperature depends on the type of electrolyte. आपको पता ना क्या कह रहा हूँ? Lambda molar C, lambda molar naught maxima minus A root C. कहते हैं A की value depends upon electrolyte. That is charge on the cation and anion producing a dissociation of electrolyte. NaCl is known as 1:1 electrolyte. Calcium chloride charge को देखो 2:1. And MgSO4 is known as 2:2. Al2SO4 thrice is 2:3 electrolyte. Kata, all electrolyte of 1:1 will have same value of A. All electrolyte of CaCl2, MgCl2, 2:1 will have a different but same value for within themselves. And so on. Right, ji? ये हम आपको यहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेके चले, मैं इसका अब्रिविएशन में WE बोल दूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू अ मच लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देयरफॉर पहली चीज, द मोलर कंडक्टिविटी इज स्मॉल, लो एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर उसकी ऐसे ही बोल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा मोलर 0.1 पे ऐसे ही बोल दिया, 400 यूनिट था तो इसका 4 यूनिट होगा। हाउएवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वेरिएशन ऑफ लैम्डा मोलर विद सी डैश इज वेरी लार्ज, राइट। पे नंबर 22 अभी आता हूं, यहां पे बेटे क्या था, इंक्रीजेस स्लोली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीजेस स्लोली और स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीजेस एब्रप्टली।
so that we cannot obtain molar conductivity at infinite division by extrapolation. Right? क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने अभी अभी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखा लैम्डा मोलर सी अंडर रूट सी, वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा मोलर सी अंडर रूट सी, ग्राफ ऐसा था, लैम्डा मोलर सी वॉज वेरी हाई इनिशियली एंड लैम्डा मोलर सी दूसरी चीज इंक्रीजेस स्लोली एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस. जबकि बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, पहले लैम्डा मोलर सी कम होएगा और वो एकदम इंक्रीज मारेगा. दैट इज लैम्डा मोलर इज वेरी स्मॉल. देखो ना यहां पे ऐसे ही बोल दिया, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इतना था, यहां पे कम था, और इट इंक्रीजेस सडनली. ये फर्क है वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो यहां पे लैम्डा मोलर नॉट आपका निकल जाता था कैसे, एक्स्ट्रापोलेशन से. यहां पे लैम्डा मोलर नॉट कैसे आएगा ये हम आपको थोड़ी देर में सिखाएंगे. इट मे बी नोटेड दैट लैम्डा मोलर नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड अपॉन कोहल रॉस्च लॉ, जो कि हम अभी थोड़े समय में यहीं पे ही घुसने वाले हैं, इसको हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं. आगे जा सकता हूं. द वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम चल रहा है, एक्सप्लेनेशन आ गई है व्हाई दिस हैपेंस, राइट, व्हाई दिस हैपेंस. द वेरिएशन ऑफ लैम्डा मोलर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस. द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद डाइल्यूशन. अरे अभी भी आपको करवाया नहीं. दिस लॉ इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लास 11th. विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन दैट इज सी डिक्रीज करने से अल्फा इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस. द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा मोलर कॉरेस्पॉन्ड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1. The whole of the electrolyte dissociate ekdam badh jayegi. Important, the degree of dissociation can be calculated by, aapko pata lambda molar c ke mukable lambda molar not is very very high. Yahan pe alpha is approximately 1 aur yahan pe alpha is very very less than 1. Therefore आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल सकते हो लैम्डा मोलर सी बाय लैम्डा मोलर नॉट. व्हाई, जब लैम्डा मोलर नॉट है, ऐसा हो गया ना, जब लैम्डा मोलर नॉट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी 1, तो लैम्डा मोलर सी है तो कितनी होगी 1 बाय लैम्डा मोलर नॉट इनटू लैम्डा मोलर सी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सब कुछ न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होगा. जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, दोबारा दोबारा वही चीज कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बढ़ने से ऑपोजिटली चार्ज आयन थोड़े दूर होंगे. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड. हाउएवर इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट The ions are held together by strong forces. Due to these interionic forces, the conducting ability of the ion is less in concentrated solution. जैसे जैसे आप dilute करेंगे solution को, the ions becomes independent, move far apart from each other. Interionic force decreases. As a result, molar conductivity increases with dilution.
when the concentration of solution becomes very, very low, interionic interactions are negligible, and hence the molar conductance approaches a limiting value known as the molar conductance at infinite dilution. हर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एक अलग होने वाली है. पेज नंबर 25, ये आपको शुरुआत में ही हमने करवा दिया था कहीं पे, एक मिनट बेटे, ये चीज राइट, इसको डुप्लीकेट करके एक बार फिर पेज नंबर 25 पे ले जाते हैं, वहां पे ले जाते हैं, तो आपको यहाँ पे समरी भी बन जाएगी. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इट इज अल्फा इंक्रीजेस, लैम्डा मोलर इंक्रीजेस. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटरायनिक इंटरेक्शंस डिक्रीजेस, देयरफॉर लैम्डा मोलर इंक्रीजेस. जरा खासा ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं. सो यहां पे मैंने समरी बनाने की कोशिश की है राइट. आपको होमवर्क दे रहा हूं, दोनों का ग्राफ क्या है पढ़ लीजिएगा, बड़ी बार बता चुका हूं, ये आपको यहाँ पे बताया है. अब हम आपको थोड़ा आगे लेके जाने वाले हैं. दिस इज होमवर्क, मस्ट डू इट. होमवर्क दोबारा दिखा रहा हूं, पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. ये आपको दिया जा रहा है बेटे, हो जाएगा, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. आगे बढ़ते हुए पुत्रों, कोहल रॉस लॉ, माइंड इट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोहल रॉस लॉ क्या कहेंगे, कोहल रॉस लॉ देखते हैं. कोहलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसको कॉपी भी करना है और इसको समझना भी है, इंपॉर्टेंट चीज है. द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन. क्या कहना चाह रहा है ये, एक सेकेंड दीजिएगा बेटे. ये कह रहा है, मान लो आपके पास व्हाइट पेन लेके आ रहा हूं, द केसीएल है, लैम्डा मोलर नॉट केसीएल है, तो उसमें से इनफाइनाइट पे पोटेशियम आयन की कंडक्टेंस कुछ वैल्यू है और उसके पास लैम्डा मोलर क्लोराइड आयन की वैल्यू इतनी है. से आपके पास लैम्डा मोलर नॉट पोटेशियम नाइट्रेट है, तो जितनी पोटेशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस KCl में है उतनी ही उसकी वैल्यू KNO3 में है, ये वो आपको कहना चाह रहा है. समझा, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, दीज आर सेम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ईच आयन विल कंडक्ट सेम, whether it is associated with same or different electrolyte, right? ये हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप एक बार देख लेते हैं तो अच्छा होगा. This is the general formula, number of ions multiplied by उनकी molar conductance. For example, NaCl, first में The NaCl की टोटल कंडक्टेंस इज सम ऑफ सोडियम आयन की कंडक्टेंस प्लस क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन. पोटेशियम नाइट्रेट समझ पाओगे. MgCl2 देखना बेटे, तीसरे केस में एक मैग्नीशियम और दो क्लोराइड आयन. अगर एक क्लोराइड आयन x कंट्रीब्यूट करेगा तो दो क्लोराइड आयन 2x कंट्रीब्यूट करेंगे. एल्युमिनियम सल्फेट, दो एल्यूमिनियम के कंडक्टेंस और तीन सल्फेट आयन के कंडक्टेंस से एल्यूमिनियम सल्फेट की टोटल कंडक्टेंस बनती है. आप ऑब्जर्व करिए बेटे, हम यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं कि आप ये जो साइन है लैम्डा मोलर, ये कंप्लीट के लिए है, कैपिटल लैम्डा, और छोटा लैम्डा इज फॉर आयन्स के लिए आ रहा है.
साइन ऑब्जर्व करो मेरे, राइट। क्या मैं आगे जाऊं, कोलरॉच लॉ हमने बता दिया, आयंस की मोलर कंडक्टेंस इन फाइनाइट फाइंड आउट कर लो, उसको एड अप कर दो तो आपके पास पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आएगी। ये वैलिड सिर्फ इनफाइनाइट डेविएशन पे होगा। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉच लॉ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो जो ग्राफ था वो जाके सीधा हो जाता था, राइट, लैम्डा मोलर सी और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। जब वो ऐसा ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया था तो लैम्डा मोलर नॉट नहीं निकल पाती थी, तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वी हैव लर्न दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन लैम्डा मोलर नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्सट्रापोलेशन। हाउएवर दिस कैन बी सॉल्वड कैलकुलेटेड इजीली बाय यूजिंग कोलरॉच लॉ। लेट अस कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा, एसिटेट आयन एंड प्रोटॉन में टूटेगा ना, तो अगर मुझे किसी प्रकार से एसिटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और एच आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसी और तरीके से पता जाए, ऐड करूंगा तो एसिटिक एसिड आ जाएगा। देखो जी ये कैसे जुगत लगाया, सोडियम एसिटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन एंड सोडियम आयन से बनेगी। किसने कहा, कोलरस ने कहा, HCl की कंडक्टिविटी एच आयन और क्लोराइड आयन से बनेगी, क्लोराइड आयन सोडियम की सोडियम एंड क्लोराइड आयन से बनेगी। अब मुझे इन तीन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करना है सो दैट फर्स्ट इक्वेशन आ जाए। तो देखो बच्चों अगर मैं पहली इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्यों, एसिटेट आयन चाहिए, ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्यों, एच आयन चाहिए, बट ऐसा करने से आपने द सोडियम और क्लोराइड एक्स्ट्रा डाल दिए, तो आप सोडियम क्लोराइड को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक। एक बार दोबारा लिख के दिखाता हूं, दैट इज इनको देखते हैं, मुझे आना इक्वेशन वन पे, दैट इज इक्वेशन टू, राइट, प्लस इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन थ्री। तो आपके पास इस इक्वेशन को देख रहा हूं मैंने इसको फाइव बोल दिया है, देखो जी क्लोराइड एंड डाला, क्लोराइड एंड कट गया, सोडियम एंड डाला, सोडियम एंड कट गया, तो आपके पास बचा क्या है, दिस एंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड, एंड देयरफॉर वी हैव द कंडक्टेंस फॉर द एसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए निकालना चाहें, तो अगर मैं आपको अमोनियम क्लोराइड की कंडक्टेंस दे दूं, प्लस मैं आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH की कंडक्शन दे दूं, माइनस लैम्डा मोलर अगर मैं आपको NaCl की दे दूं, तो बेटे कोलरॉच ने क्या बताया था, जितना क्लोराइड यहां पे कंडक्शन आपने ऐड की थी वहां पे सब्ट्रैक्ट भी तो बराबर है, वही तो उन्होंने कहा था अमोनियम क्लोराइड में क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन अगर ऐड किया है तो सोडियम क्लोराइड से माइनस हो जाएगा, सोडियम आयन यहाँ पे प्लस किया है तो सोडियम यहाँ पे माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमोनियम आयन प्लस, हाँ जी दोस्तों द हाइड्रोक्साइड आयन, लो जी आंसर आ गया। What are you doing? Applications of Kohlrush law. What is the first application? आपने weak electrolyte के लिए आपने conductance निकाल लिया। वो जनाब आपसे question पूछेंगे, right? ये मैंने अभी अभी कराया, homework आपके लिए है बेटे, आप करने वाले हैं। अगले पेज पे इसका हिंट आ रहा है तो आप पॉज करिए, सॉल्व करें, पॉज, बाद में ओपन करिए। दैट्स इट, आई होप यू हैव डन इट। आगे बढ़ रहे हैं जी हम, चले द एप्लीकेशंस ऑफ
कोलवाशी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड एप्लीकेशन. वी हैव ऑलरेडी डन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा मोलर सी बाय लैम्डा मोलर नॉट, राइट. तो एक ही एप्लीकेशन होगी. तीसरा, वंस आपके पास सी पता है, अल्फा आ गई, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट आप इस प्रकार से निकाल सकते थे बच्चे. किया जाएगा, वो कुछ नहीं किया, उसने अल्फा को ये पुट कर दिया है. यू कैन हैंडल इट, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर. तीसरी एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. व्हाट आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट? जो कि ना टूटे, राइट, उनको स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोला जाता है. AgCl, PbSO4, बेरियम सल्फेट. अगर ये डिल्यूशन से ज्यादा टूटते ही नहीं है बेटे, तो इसका मतलब इनका लैम्डा मोलर सी इंक्रीज नहीं होता है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब इनका लैम्डा मोलर सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा मोलर नॉट, राइट. दे डिसॉल्व टू अ वेरी लिटल एक्सटेंट इन वाटर, दे डू नॉट डिसॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सिंस दे डिसॉल्व ओनली विद अ स्मॉल एक्सटेंट, देयर सॉल्यूशन आर कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट डिवीजन. पहले ही हम इनको इनफाइनाइट डिवीजन मान लेते हैं. मोरओवर, एज देयर सॉल्यूशंस आर सिचुएटेड, देयर कंसंट्रेशन मे बी टेकन इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी. क्लास 11th आयनिक इक्विलिब्रियम, इनकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है हम उसको उसकी मैक्सिमम डाइल्यूशन सॉल्युबिलिटी एस मान लेते हैं. देयरफॉर बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एंड नोइंग मोलर कंडक्टिविटी, द सॉल्युबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड, राइट. सॉल्युबिलिटी, यू रिमेंबर दैट लैम्डा मोलर नॉट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी. तो बेटा मोलैरिटी को ही तो सॉल्युबिलिटी कह रहा है, तो आप मोलैरिटी कह दीजिए या आप इसको सॉल्युबिलिटी कह दीजिए, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, कापा इनटू 1000 बाय लैम्डा मोलर सी कह दीजिए, लैम्डा मोलर नॉट कह दीजिए, वो एक ही बात होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, लैम्डा मोलर नॉट कैन बी अप्लाइड फॉर दिस AgCl. मैं यहां पर करके लाया हूं तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा. मैं क्लास 11th आने के इक्विलिब्रियम को यूज कर रहा हूं बेटे. AgCl टूटता है AgIn एंड क्लोराइड आयन एक्वस के अंदर. T इज इक्वल टू 0 पे इसकी सॉल्युबिलिटी S है, वेयर सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी डिसॉल्वड. ये 0 है, 0 है. इक्विलिब्रियम पे इसका एस पूरे का पूरा चले जाएगा, जो कि बहुत कम होएगा, और इसका बराबर कॉन्सेंट्रेशन एस, क्योंकि 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, बन जाएगा. याद करो क्लास 11th, इसका के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला जाता था, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इंटू क्लोराइड आयन, दैट इज इक्वल टू एस इंटू एस एस स्क्वायर. और S इज इक्वल टू अंडर रूट के एस पी इज इक्वल टू एम. एस कह दो एम कह दो, एक ही बात है ना. तो इट इज अंडर रूट के एस पी और लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कापा बाय एम. हमने एम को रिप्लेस कर दिया है अंडर रूट के एस पी के साथ. दिस इज अ 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, एक सिल्वर आयन और एक क्लोराइड. What will happen if you have different electrolyte, bachcho? Let it be 1:2 electrolyte आ गया. तो 1:2 electrolyte में क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपके पास अगर ये S था, ये 0 था और ये 0 था. अब इसके barium ion S बनेंगे और इसके chloride ion 2S बनेंगे. तो बेटे इसका KSP is concentration of barium ion into concentration of chloride ion. S and 2S का स्क्वायर हो गया 4S क्यूब. तो S यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू KSP बाय 4 क्यूब रूट में आ गया. ये चीज आ गई, पुट वैल्यू ऑफ M, KSP बाय 4.
आप लैम्डा मोलर नॉट पे आ जाएंगे या लैम्डा मोलर पे आ जाएंगे, बात एक ही है, उसमें कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। जा सकता हूं आगे बच्चों? ये बेटे मैंने आपके लिए समरी बनाई है, आप सीधा यहां से यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मोलर नॉट फॉर गिवन इलेक्ट्रोलाइट। थोड़े समय में क्वेश्चन करेंगे MgSO4 की, आपसे टोटल की कंडक्शन मांगेंगे, आपको टेबल में मैग्नीशियम एंड सल्फेट की कंडक्शन दे देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आप आंसर निकाल लेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको होमवर्क दिया गया है। लैम्डा मोलर नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर की लैम्डा मोलर नॉट नहीं निकल सकती है, तो उसके लिए आप कैसे निकालने वाले हैं ये आपको पूछा गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और लैम्डा मोलर नॉट, यूजेस ऑफ कोलराइट्स लॉ है। सो हमने आपको क्या करवाया है, लैम्डा मोलर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस यू कैन नॉट कंट्रोल। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से लैम्डा मोलर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज करने से लैम्डा मोलर बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंटरआयनिक डिस्टेंस जो होगा बढ़ेगा, तो इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। ये देखो मैग्नीशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा मोलर मैग्नीशियम आयन दे रखी है 106.1, 2 into लैम्डा मोलर क्लोराइड आयन दे रखी है 76.3। क्या आप आंसर निकाल सकते हैं इसको? इसी प्रकार से आप बाकी चीजों को भी हैंडल कर सकते हैं बेटे। इट इज 258.7 सेम यूनिट्स, राइट बेटे? होमवर्क जाए, ठीक है भाई, होमवर्क होमवर्क के रूप में करना, होमवर्क। बड़ी बार बता दिया, प्लस माइनस ही तो करना है, पॉज करो, सॉल्व करो। ये क्या कहना चाह रहा है? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट कॉन्सेंट्रेशन दिस and this are 3.6 and 340. Calculate degree of dissociation at these concentration. So alpha at 0.1, alpha किसके बराबर था? Lambda molar C by lambda molar naught. 0.1 पे कितनी है बेटे? 3.6 divided by 271.1. And 0.001 पे कितनी है? 34 by 271. क्या आप आंसर ले सकते हैं? हाँ जी, हम आंसर ले सकते हैं। काइंडली रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, रिपीट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होएगा। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो अपने आप, मैंने नहीं करवाना, होमवर्क है। इजी, क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, तो इसमें वो आपसे पहले क्या करवाना चाह रहा है, वो ये निकलवाएगा। दूसरे स्टेप में क्या चाह रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा मोलर आपने ऊपर से निकाल लिया, लैम्डा मोलर नॉट
इन दोनों को ऐड करके निकलेगा। और तीसरे में सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा आपसे पूछा जा रहा है। यू आर गोइंग टू डू इट सन, राइट? वही है, उससे आगे कॉन्टिन्यूड है, भूलने का नहीं है किसी भी हाल में। ऑल गोइंग एज होमवर्क, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं बेटे। पढ़ो, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अभी एजीसीएल के लिए आपको बताया था, लैम्डा मोलर नॉट सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी है उसने, आपने लैम्डा मोलर निकाल लेने का है। होमवर्क बच्चों, ठीक है? लॉट्स ऑफ होमवर्क बिकॉज दीज आर द सिमिलर क्वेश्चन बेटे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम, जस्ट ऐड देम अप। एनसीईआरटी, आई होप वी कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ बिग इश्यू, राइट जी? मेरे प्यारे से बच्चों, हम यहां पे ब्रेक मारने वाले हैं और हम आपके इस चैप्टर में से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बाहर आ गए हैं बेटे। एंड थैंक यू, आपने ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने किया, तो कंप्लीट इट और वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। गुड लक, जय हिंद, बाय मेरे बच्चों, नए चैप्टर से मिलते हैं, बाय, गुड लक, जय हिंद।